मैं राजीव गांधी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं राजीव गांधी से बहुत प्यार करता था और बहुत उसको अच्छा समझता था। तो मेरे को क्या दिखाई दिया, राजीव गांधी को खतरा है। मैं रोहतक से रेल में बैठ गया और नई पुरानी दिल्ली जाकर उतरी रुकी। तो मैं प्लेटफार्म पर जान लग रहा है, एक जगह लग रहा है क्या देश सेवा। मैं उस कमरे में जा मिला, वो कोई बड़ा अफसर बैठा हुआ, बोला कैसे आन पड़ा भाई, मारा राजीव गांधी को खतरा है और उसके पास टेलीफोन मिला। बोला चल बाहर से मिलवाता हूँ। थोड़े दिनों तक की तरफ डाक मेल तैयार हो रही, बोले उसको धंधी वाले को बोले इसमें अपने पास बैठा ले, रोड तक उतार देना। अच्छा मैं अपना बैठ लिया, बोला ना थोड़ा जो काम आ रहा तेरा हो गया चल तू। तो 15 अपना मैं रोड घटना आ गया। 15 दिन के बाद राजीव गांधी गांधी की समाधि में फूलमाला चढ़ावेगा, को जाइया हम लोग क्या बैठे रहा, उन्होंने फूलमाला चढ़ाने को डाले, उधर से कोई छोटी बच गया राजीव गांधी। उसके बाद फिर बोला ना अब की बार नहीं बच सकता मैं, भगवान कैसे बचाए। ऐस तो कह दे अपने घर से बाहर नहीं जा। और जब मैं कुदरती भूपेंद्र के पिता रणवीर के पास चला गया, उसको मैंने बताई माँ ऐसी ऐसी कहानी है, उन्हें कैसे जवाब दिया, मत डा करो मेरे पास ऐसी खबर ले गया चंद्र स्वामी की तरह जेल में बंद हो जाएगा। अगर मैं अपने घर ना आ गया। कुछ दिन के बाद राजीव गांधी को हादसा हो गया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसको मैं भगवान समझता, को किसी भी पार्टी का है, लेकिन उसको उसको मैं भगवान का दर्जा देता हूँ। उसको पहले बताता हूँ सबको, अगुवाई जो भी प्रधानमंत्री बन जा वो भगवान का रूप समझो, उसकी बात सुनो, अरे अपना हरेक काम ढंग से करो।